हेलो नमस्ते शश्री अकाल। मानसून के मौसम में अगर गर्मा गर्म पनीर टिक्का मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। और हम इसे बनाएंगे बिना अवन के घर में तवे पे सेक कर, जो कि काफी कम समय में और काफी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए झटपट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, आप इसे नोट डाउन कर लें। पनीर टिक्का बनाने के लिए आप सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 2 टेबलस्पून हंकड़ ऐड करें, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 लेमन जूस डालेंगे। गैस ऑन करके हम एक तड़का पैन चढ़ाएंगे और इसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। बेसन और अजवाइन को हम लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि बेसन का रॉ फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाए, और इसे हम अपने मैरिनेशन में ऐड करेंगे। इससे पनीर टिक्का का काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कस्तूरी मेथी को भी ऐड कर सकते हो। और अब आप इसमें तड़का ऐड कर दें। अब आप सारे मसालों को एक विस्कर या स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पनीर टिक्का को रेड कलर देने के लिए आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैरिनेशन तैयार है और अब आप 200 ग्राम पनीर लें और उसे बड़े टुकड़ों में काट लें और उसे 2 भागों में यहाँ पे ऐड करें और मसालों के साथ कोट करें। हम यहाँ पे 2 भागों में पनीर को डाल रहे हैं ताकि मसाले हर एक पनीर पर अच्छी तरह से कोट हों, और इसी तरह हम बाकी के भी पनीर डाल के उन्हें भी अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पनीर को हमने मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लिया है और अब हम यहाँ पे येलो बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स और ग्रीन बेल पेपर्स डालकर उसे भी मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। और अब आप एक मीडियम साइज के प्याज को बड़े टुकड़ों में काट लें इस तरह से, और इसे भी ऐड कर लें और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से आप कोट कर लें। सभी सामग्रियों को हमने अच्छे से मैरिनेशन में कोट कर लिया है और अब आप इसे ढककर रेफ्रिजरेटर में 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। 2 घंटे के बाद आप रेफ्रिजरेटर से मैरिनेटेड पनीर टिक्का को बाहर निकाल लें और इसे एक बार जेंटली आप मिक्स कर लें और इसे आप बैम्बू स्क्यूअर्स या टूथपिक में अरेंज कर लें। स्क्यूअर्स को आप 30 मिनट्स के लिए वाटर में सोक कर लें और उसके बाद आप सबसे पहले एक ग्रीन कैप्सिकम को स्क्यूअर्स के अंदर डालें, फिर एक अनियन डालें और इसी तरह से आप एक पनीर को भी सेंटर से प्रिक करते हुए डालें और सेम प्रोसेस को रिपीट करें आप डिफरेंट कलर बेल पेपर ऐड करते हुए, और इसी तरह से सारे स्क्यूअर्स को अरेंज करके रेडी कर लें। पनीर टिक्का को हमने स्क्यूअर में अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है और अब हम इसे पैन में सेक लेते हैं। अब आप पैन गर्म करें, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें और इसे चारों तरफ से स्प्रेड कर दें। और अब आप इसमें आप पनीर टिक्का को रखें और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चारों तरफ से सेक लें ऑयल ऐड करके। पनीर टिक्का चारों तरफ से सिककर तैयार है, तो अब आप इसे डायरेक्ट फ्लेम पे 1/2 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लें, जिससे कि एक काफ़ी अच्छा स्मोकी तंदूरी फ्लेवर आएगा पनीर टिक्का में। या आप एक चारकोल को जलाकर पैन में ऐड करके उसे ढककर 1 मिनट के लिए रहने दें, उससे भी काफ़ी अच्छा तंदूरी स्मोकी फ्लेवर आ जाता है पनीर टिक्का में। इसी तरह से हम सारे पनीर टिक्का को रेडी कर लेंगे। पनीर टिक्का को हम सर्व करेंगे रेस्टोरेंट वाले मसालेदार चटपटी अनियन के साथ। तो सबसे पहले आप फाइनली स्लाइस्ड अनियन लें, उसमें कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें, आधा नींबू का रस डालें, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और ये बिल्कुल तैयार है पनीर टिक्का के साथ में सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरे पनीर टिक्का की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।